तो कैसे हो आप सब। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक नया वीडियो के साथ जो कि है KaiserAttack Alpha 1800 प्रिंटर के फ्यूजर काउंट को आज हम क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो काउंट को क्लियर करने के लिए फ्यूजर के तो हमको पहले हम जो है प्रिंटर को ऑन करना पड़ेगा। तो प्रिंटर हमने ऑन कर लिया, आप लोग देख ही सकते हो ये KaiserAttack Alpha 1800 प्रिंटर है दोस्तों। यहाँ पे हमारा जो प्रिंटर है ये चालू हो रहा है, तो आप लोग देख लीजिए प्रोसेसिंग हो रहा है और यहाँ पे Kaisera का लोगो भी आ गया है। तो दोस्तों ज़्यादा देरी ना करते हुए यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ 1087 1087। इसको प्रेस करने के बाद हमारे यहाँ पे मेन रिपोर्ट में हम आ गए हैं दोस्तों। तो डायरेक्ट कोड भी आप लोगों को बता सकता हूँ, तो आप लोगों को पहले हम डायरेक्ट कोड ही बता लेते हैं। आप लोग स्क्रॉल डाउन करके भी इसको देख सकते हो। तो फ्यूजर जो है उसको काउंट को क्लियर करने के लिए हमको पहले 167 प्रेस करना पड़ेगा। तो प्रेस कर दिया हमने, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आ गया है फ्यूजर काउंट। ठीक है दोस्तों, क्लियर फ्यूजर काउंट आ गया है दोस्तों। तो यहाँ पे हम करेंगे ओके। तो ओके करने के बाद आप लोग देख सकते हो 1,76,156 यहाँ पे काउंट आ गया है। ठीक है दोस्तों, इसको हम क्लियर करेंगे तो नीचे में जाएंगे, यहाँ पे क्लियर का ऑप्शन आ गया है। तो आप लोग क्लियर का ऑप्शन में ओके कर दीजिए। क्लियर का ऑप्शन में ओके करने से ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे कंप्लीट दिखा रहा है और ऊपर में हम जाएंगे, जा करके देखेंगे यहाँ पे काउंट जो है वो जीरो हो गया है दोस्तों। तो एक बार हमारा जो प्रिंटर है वो प्रिंटर को हम शट डाउन करेंगे। तो प्रिंटर को हम ऑफ कर दिया है, ऑफ करने के बाद फिर से ऑन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे जो है फ्यूजर को काउंट को क्लियर करना होता है। तो KaiserAttack Alpha 1800 प्रिंटर रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड करके रख दिया है, जब भी आप लोगों को जरूरत पड़े तो आप लोग जाकर के उसको चेकआउट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।